नमस्कार, पीएम न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ राजू मिश्रा। विशेष जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। स्मृति ईरानी ने कहा, जो एक दूसरे को आंख नहीं सुहाते थे, जो भारत को आर्थिक प्रगति से वंचित कर पाए, स्वार्थ का ये गठबंधन बहुमुखी है और संवाद अलग अलग शैली में करता है। ये जीवन में कभी भी तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने कभी नहीं सोचा होगा, जिस कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने ममता बंदोपाध्याय के बाल खींचकर सड़क पर उन्हें अपमानित किया, उसी कम्युनिस्ट पार्टी के संरक्षण में एक दिन ममता बंदोपाध्याय जी जाएंगी। और क्या कहा देखिए। जो एक दूसरे को आंख नहीं सुहाते थे, एकत्रित हुए, जो भारत को आर्थिक प्रगति से वंचित कर पाए, स्वार्थ का ये गठबंधन बहुमुखी है और संवाद अलग अलग शैली में करता है। ये जीवन में कभी भी तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने नहीं सोचा होगा कि जिस कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने ममता बंदोपाध्याय के बाल खींचकर सड़क पर उन्हें अपमानित किया, उसी कम्युनिस्ट पार्टी के संरक्षण में एक दिन ममता बंदोपाध्याय जी जाएंगी। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि जिस ममता बंदोपाध्याय के हाथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खून से सने हैं, वही हाथ एक दिन राहुल जी के सर पर दिखाई देगा। ये कल्पना तो तमिलनाडु की जनता ने भी नहीं की होगी कि जिस डीएमके पार्टी को 1990 के दशक में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या में सहयोग देने का आरोप लगाया, एक दिन उसी डीएमके के साथ गांधी खानदान के नेतृत्व में रिश्ते कांग्रेस पार्टी के और मधुर होंगे। राष्ट्र ने देखा, ममता जी ने लालू जी के चरण स्पर्श किए, लेकिन लालू जी ना जनता भूली ना निश्चित आप कि कैसे ममता बंदोपाध्याय जी ने आपके खिलाफ आपके दावों की पोल खोलते हुए एक श्वेत पत्र जारी किया था। राष्ट्र ये भी नहीं भूलेगा कि विपक्ष के नेता शरद पवार जी ने सोनिया जी के नेतृत्व पर किस प्रकार की टिप्पणी की थी। मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि ममता जी ने अपने उचित भाव तब प्रस्तुत किए जब उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बन गए तो नरेंद्र मोदी को पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कई फिर और खबरों के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।